यहाँ नाकुद ने देखा कि भगवान ने कल्याण किया इसके ऊपर, ऐसा नहीं भगवान ने क्रोध ने में पागल होकर के उसके तई तेरी तई तो तक तई तई तू 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 तेरी तो तू तू, भगवान इस भाव से कल्याण नहीं किया, भगवान ने करुणा के भाव से ही उसका कल्याण किया। और भगवान ने विशेष रूप से कल्याण इसलिए किया क्योंकि नाग पत्नियां शुद्ध भक्त थी और वो सोचा करती थी, प्रार्थना करती थी कि कृष्ण काश ये हमारा पति ये भक्त बन जाए, ये भक्त बन जाए, ये कम भक्त है, ये कब ये बनेगा भक्त, ये है कम भक्त। तो क्योंकि नाग पत्नियों की ऐसी इच्छा थी तो भगवान ने क्या किया, नाग पत्नियों की इच्छा पूरी की, क्योंकि आप चाहते हो आपका पति भक्त बन जाए, तो भगवान पतियों को भक्त बनाते हैं। और आपको लगता है आपके पति सनकी हैं, कुंचूसू हैं और मुंह से ऊपटांग शब्द निकालते हैं, मुंह से AK-47 7 o'clock के ब्लेड निकालते हैं, सब सेट कर देंगे भगवान, डिटॉक्स कर देंगे पति को। ये पत्नियों के लिए भी है, कुछ की पत्नियां भी होती हैं। क्यों जा रहे हो मंदिर, क्यों जा रहे हो, घर नहीं संभालना है, घर नहीं संभालना, हाँ तुका राम की औलाद कहेंगी ना, तो तुम जाओ भगे कर लो, तुम मंदिर बस जाओ, जाओ किशम राजबू से बोले बिस्तरा दे दे मेरे को, वहीं पड़ जाओ। तो कुछ पत्नियां भी होती हैं ऐसा ताना मारू होती हैं, ओए ओए, तो जिनकी पत्नियां ऐसी हो रखी हैं तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप ही जगतपति हैं, तो अल्टीमेटली है तो ये आप ही किए भगवान, इसलिए इसका मन आप में लगे। जिस प्रकार से हम जब प्रार्थना करते हैं निश्चित रूप से भगवान सुनते हैं। तो नाग पत्नियों की भी इच्छा थी कि एक दिन कृष्ण के का ये भक्त बनेगा ये कालिया, तो इस प्रकार से उनकी प्रार्थना को सुनते हुए उन्होंने भगवान ने बोला उनको, इनको स्वीकार किया, सुकाले को भक्त बनाया, ही बिकेम अ प्रॉपर वैष्णव।